तो भाई ये मैसी सिचुएशन देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि तैयारी चल रही है हमारी एक ट्रिप की। ये ट्रिप का एक ओवरलैंडर जो है मीटअप है, जिसमें तकरीबन 17 से 18 गाड़ियां आ रही है ओवरलैंडर्स की। तो उसकी हमारी जो है तैयारी चल रही है। सारा कपड़े बिखरे पड़े हैं इधर से, पूरा बच्चों के कपड़े भी, ये बच्चों का रूम है, यहाँ से कपड़े ये कुछ रह गए हैं अभी, यहाँ से ये भी लेने हैं, बाकी सब बच्चों के कपड़े ले लिए हैं। और उधर आपको दिखाते हैं, रूपासी यहाँ पे अभी तैयारी कर रही है कल क्या करना है क्या नहीं। ये यहाँ पे बैग्स रखे हैं, ये सारा सामान अभी नीचे गाड़ी में लगाना है। और किचन का भी पूरा जो है माला ने कर दिया है। अभी दिखाते हैं आपको किचन में हम क्या क्या लेके जा रहे हैं। कपड़े पहन लो बेटा, ठंड लग जाएगी, सुबह जल्दी निकलना है। और ये देखिए, ये हमारा सारा किचन का जो है सामान यहाँ पे है। क्योंकि किचन का नया सेटअप हुआ है ना, तो सारे डिब्बे मैंने चेंज कर दिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सारा नया सामान सब पिकअप किया है, ठीक है। और ये दूध भी ले लिया, कुछ पता नहीं रास्ते में क्या सिचुएशन रहेगी। दूध किचन के, ये कुछ किचन के कपड़े हैं, साफ किचन के कपड़े। और ये क्या है इसमें, खाने अच्छा पीने की सामान है सब। अच्छा, रस, टोमेटो, केचप, नमकीन, पापड़। और अब की बार हमने खाने में क्या क्या रखा है, क्या कुछ होने वाला है? नॉर्मल चीजें रखी है, बाकी तो देखो चावल, पास्ता बच्चों के लिए, पोहा, और ये सब मसाले हैं, ठीक है। सूजी, बेसन, अगर चिल्ड्रन बनाने पड़े तो ये सब है, चीनी पत्ती, बूंदी, और ये ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं। ड्राई, क्योंकि ठंड है ना तो बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। मम्मा थोड़ा सा भाई वो भी ले लेना, मैदा। मैदे का क्या करना है? व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए, वो पड़ा हुआ है गाड़ी में। वो है तो ये सब सामान किचन का। ये मैंने अच्छा से बर्तन उड़ा लिए, रोटी ठंडी हो जाती है ना तो छोटा रखा है मैंने, बड़ा नहीं रखा, ठीक है ठीक है। और ये बच्चों के लिए सर्विंग के काम भी आएंगे, और हमारे पास कुछ कट करके रखने के लिए नहीं थी, तो ये एक ये पड़ी थी मैंने डुब्बू के लिए रख ली। और ये ट्रे मैंने रख ली है, रास्ते में से निकलेंगे, ठीक है। और इन बॉक्सेस में क्या रखा है? ये मैंने, अरे टिशू ना, वो उनको मैनेज करने के लिए रखा मैंने। अच्छा, ये टिशू होल्डर बना दिया, ये गाड़ी में इस भी आ जाएंगे भाई। ये ग्रीन टी वगैरह और बटर है इसमें। ये देखिए, ये डिब्बे जो हैं, जब हम खाना मंगाते हैं ना जोमेटो से, उसमें आते हैं, तो ये हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं इनको। ये ना थोड़ा ऑर्गेनाइज रहता है बस। भाई देखिए, कैंपिंग में सब कुछ जुगाड़ होता है, हर चीज प्रॉपर नहीं होती, जुगाड़ पे बहुत कुछ चलता है, तो जुगाड़ करने पड़ते हैं। और निहित भी हमारा किचन का जायजा ले रहा है कि उसके लिए क्या क्या लगा है। और अब की बार मैं देख रहा हूँ तुमने दूध जो है मोती मंगाया है। यार दूध इसलिए मंगाया ना, रास्ते में हाईवे, हमें पता नहीं, पहली बार जा रही हूँ, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने रख लिया, मंगा के, और एक्स्ट्रा ही रख लिया, क्योंकि खराब तो होता नहीं, 3 महीने चलता है, तो इसलिए मैंने इसको मंगा के रख लिया कि बच्चों के साथ चाय, चाय जरूर चाहिए भाई, देखो बिना चाय की जिंदगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में, एक्सप्लोर द लैंडस्केप। और अभी आपको दिखाते हैं आगे, ये पूरा सामान हम अपनी गाड़ी में सेट करने वाले हैं, नया सेटअप हुआ है गाड़ी में, ये सारा सामान उसमें हम सेटअप करेंगे। उसके बाद एक आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा हमारे किचन का, गाड़ी में जो सेटअप हुआ है उसका। ये सुजू में हमने सेटअप किया है, पहले हमारा नेक्सोन में हुआ करता था, अब इसमें हमने किचन बना दी है। तो अब चलते हैं उसमें, ये पूरा सामान लगाते हैं, अभी लिफ्ट से सामान नीचे उतारेंगे और लगाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूले, कमेंट करके हमें बताएं हम और क्या इसमें एड ऑन कर सकते हैं, कुछ आपके आइडियाज हैं तो वो हमें कमेंट में दे प्लीज। जितना आप कमेंट करेंगे, करके हमें बताएंगे, उतना ही हमारा हौसला बढ़ेगा, हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो जी, ये किचन हमने सेट कर दिया, और ये देखिए किचन में हमारे कुछ सामान इस तरह, मैंने कैसे लगाया ना, जो मसाले डेली यूज वाले मसाले बना के रखे, मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक, खड़े मसाले, और ये चॉपर, ठीक है। और चाय का सामान नीचे, चाय पत्ती, चीनी, कॉफी और घी, रोटी के लिए चाहिए होता है। ये मैंने जो डेली नीड्स वाला है वो मैंने आगे में रखा है, और बाकी के मसाले जो चीजें हैं, गुड़, बूंदी, ये सब मसाला जो कम यूज होता है, वो सूखा दूध है, ये सब मैंने रखा है पीछे, चोकोस बच्चों के लिए, बच्चे सुबह सुबह चोकोस मांगते हैं,
तो मैंने ये पीछे रखा है। ठीक है, जो एक्सरे वो वहाँ रखे है, ऊन वगैरह सब मैंने वहाँ रखी है। कपड़े वगैरह भी मैं वही रखने वाली हूँ। वहीं पे हमारा सिलेंडर रखा है। हाँ, वहीं पे सिलेंडर रखा है, सिलेंडर के साथ मेरा वो सब आ रहा है। और ये किचन हो गया, मतलब सॉरी चूल्हा हो गया यहाँ पे हमारा। चूल्हा हो गया, तो यहाँ खड़े हो गए एक्सेसिबल करने में। हाँ, ये तो अभी हम ऊंचे पे खड़े हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा अभी गाड़ी आगे जाएगी तो बहुत नीचे जाएगा। और ये मेरे सारे तेल वगैरह जो है वो सब यहाँ आ गए। ये बेकिंग पेपर जो है वो है, और जो एक्स्ट्रा मेरे डिब्बे है वो मेरे आगे, दाल मेरी यहाँ आ गई। हाँ ठीक है, तो ये है। और बाकी ये जो अभी रह रहा है किचन का सामान, ये कहाँ लगाओगे? बेसिकली ऐसा खाने का सामान है ना, तो ये पीछे ड्रॉर में रख देंगे यहाँ पे ना, इसमें ड्रॉर में आ जाएगा ये। हाँ, ये तो अभी खाली पड़ा है, ये खाली पड़ा है ना अभी। हाँ, ये इसमें होगा, देखो। नहीं, अच्छा इसमें कुछ रखा भी है सामान, इसमें छोले छोले वगैरह है, रूपाशी बोल रही थी ना। हाँ हाँ, और ये सूजी है, सूजी मैंने रख ली, इसकी जरूरत है, चलो रख लो। ठीक है, और ये मैं खाने का एज इट इज ही रख दू बस, बल्कि निकाल के रखू तो ज्यादा मैनेज करने में आसानी होगी, पता रहेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 4, हम हो चुके हैं रेडी, चलने को तैयार और लेंडर मीट के लिए। तो अभी जल्दी से जो है निहित और उसकी मम्मी और रूपाशी तैयार होना रहेगी है, बस फटाफट वो भी तैयार हो रही है। सभी 4 बजे सुबह सुबह उठ गए हैं, जल्दी से जल्दी अपना निकलते हैं हम जाके। अभी बस ये सामान और जाएगा गाड़ी में, बाकी जाके गाड़ी में गाड़ी को करते हैं थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट, फिर अपना चलते हैं। सारा सामान नीचे हो चुका है, लग चुका है, तो चलिए चलते हैं। लो जी निकल पड़े हैं लेके प्रभु का नाम, और टाइम हुए हैं 4:40, 40 मिनट लेट है। ये तो हम जल्दी निकल लिए थे, जो हमने दिल्ली NCR बड़ी जल्दी क्रॉस कर लिया, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली थी। फॉग देखो बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं दिख रहा आगे, पर चल रहे हैं भाई, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे, एंजॉय करते हुए मस्त अपना गाने सुनते हुए। बच्चे तो सो गए हैं, देखो अब किस टाइम, ऐसे तो दिखा रहे हैं कि 12:30 तक हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, पर हो सकता है अगर फोग आगे भी ऐसे मिला तो टाइम थोड़ा बढ़ सकता है। तो जी अभी हमने क्रॉस किया है, रामगंगा क्रॉस की है अभी, और रामपुर आने वाला है, रामपुर रह गया कोई 20-22 किलोमीटर भाई। अब थोड़ा फोग कम हुआ है, विजिबिलिटी थोड़ी सी सुधरी है, थोड़ा आगे तक दिख रहा है, तो भाई ऐसे ही चलते रहे तो हम टाइम से पहुंच जाएंगे जो है। और अभी नाश्ते के लिए भी रुकना है, वो रुकते हैं नाश्ते के लिए, फिर देखते हैं कोई अच्छा सा कोई ढाबा मिले फिर रुकते हैं। भाई सारे यहाँ देखे सोए पड़े हैं, ये देखो पीछे भी सब सोए पड़े हैं भाई। बरेली पहुंचने वाले हैं, फोग तो कम होने का नाम नहीं ले रहा, बस हाँ थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ी है, तो गाड़ी चलाने में थोड़ी आसानी हो रही है। एक तो रोशनी भी आ गया, दिन निकल आया है, 9 बज गए हैं, झुमका भी ढूंढना है। बरेली जा रहे हैं भाई, बरेली आ रहा है रास्ते में, भाई देखते हैं अगर झुमका मिल गया तो गिरा हुआ हो जो पर बाजार में शायद जाए ना जाए, वो तो बाजार में गिरा था यार, हम तो बाहर से ही निकल जाएंगे, फिर कैसे ढूंढेंगे। कुछ खिला दो, बरेली का क्या फेमस है? अच्छा, बरेली की बर्फी भी फेमस है? नहीं, वो एक बुक थी बरेली की बर्फी, मूवी भी आई थी, मूवी आई थी ना उसपे, मूवी है बरेली की बर्फी। लो भाई जो झुमका हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो मिल गया, ये देखो ये रहा, तो बरेली में झुमका हमें मिल गया है भाई, तो खुशी की बात है कि बरेली में झुमका मिल गया, अब सारे खुश हो गए हैं, देखो मुस्कान देखो झुमका मिलने पे अपना मिले ना मिले, बरेली आके हमने झुमका ढूंढ लिया आते ही। चलो जी अब झुमका मिल गया, अब चलते हैं आगे। रास्ता तो अच्छा सा है, अभी पीलीभीत पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा रास्ता रह गया आधे घंटे का, पीलीभीत में पहुंच जाएंगे। देखिए
क्या पेड़ बिल्कुल ऐसे दोनों साइड से घने पेड़ खड़े हैं, अच्छा लग रहा है। ये तो फोग है थोड़ा, नहीं तो भाई नजारे अच्छे हैं। चलो अभी देखते हैं, खाने का अभी तक नहीं मिला भाई कुछ भी। 9:30 हो गए, सुबह सुबह बस सब बिरयानी की दुकान खुल रही है। जहाँ देखो वही बिरयानी बिरयानी मिल रही है, और कुछ दिख ही नहीं रहा है। और भाई नाश्ते करने के लिए यहाँ पे रुके हैं हम। ये किंग्स ढाबा है जो पूरनपुर रोड पे है, पीलीभीत में। तो हम पीलीभीत पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अभी नाश्ते के लिए रुके हैं। काफी देर से ऑर्डर दिया हुआ, अब तक आया नहीं है, इंतजार में बस। सिर्फ अभी आधे घंटे में ये आई है चटनी। और बच्चे पूरा देखी ऐसे हो रहे हैं कि और रोक के रखा नहीं तो अभी तक चटनी भी खा जाते हैं ये। आपने छोले भटूरे मंगाए हैं? अच्छा, हमने तो पराठा मंगाया। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कितनी देर में आता। बताओ क्या बनोगे बड़े होके? ओजी। अरे वाह। अच्छा फिर चेंज हो गया? बस मैंने कहा था 10 मिनट से कम लगे। भाई 10 सेकंड में ही चेंज कर दिया डिसीजन। फिर क्या निर्णय लिया? मैं तो फॉर्म भी भरने वाला था फौजी वाला। बनने वाला पुलिस। ठीक है, पक्का ना? देख ले कभी फिर अभी रिजाइन मार के कहीं और चल दे। क्या बन जाइयो? तो भाई आ गया हमारा पराठा। ये मेरा आलू प्याज का और रूपासी का आया आलू का। रूपासी तो टूट भी पड़ी आते ही, और निहित इंतजार कर रहा है अपने छोले भटूरों का। हम तो खाते हैं भाई, आ जाएगा यार। लो जी छोले भटूरे भी आ चुके हैं निहित के लिए, और अब यहाँ खा लो गर्मा गर्म छोले भटूरे। आ जाओ मेरे चीतो, आ जाओ सड़क पे हमारे स्वागत में है। रोटी खा के आए हो? मैं यहाँ तो ये आ रहे हैं देख, सड़क पे ये देखो। आत्महत्या करने वाले बैठ गया भाई। ये क्या था? बोला तू रुको हम लूटते हैं। अपना बुढ़ा भेज दिया बीच में रास्ते में, बुढ़ा बंदर बीच में बैठ गया भाई। अपना पीलीभीत टाइगर रिजर्व पार्क सी है, और यहाँ पे अभी पीछे बोर्ड देखा हमने, उस पे लिखा हुआ था कि ये रोड पे कभी भी मतलब आ जाते हैं चीते, आ जाते हैं जंगली जानवर, आ जाते हैं। चलो ध्यान से, इस टाइम नहीं आते बेटा, वो सुबह के टाइम या रात के टाइम तो दिख जाते हैं। आपको क्या पता आपको उनका रूटीन कैसा पता? अरे क्योंकि दिन में ट्रैफिक ज्यादा रहती है रूपाशी, इसलिए नहीं आते। रूटीन नहीं, वो रात में ही निकलते हैं। वो सिर्फ बस यहाँ पे ये चीते हैं, यहाँ तो ये बंदर ही बंदर है। देखो क्या खूबसूरत है, और पेड़ ऐसे हो रहे जैसे बिल्कुल उनको सीध में काट रहा है, काट दिया गया हो। पर ये काटे नहीं है, ये गाड़ियों से चल चल के ना हवा से उससे हो रहे, चटाई हो रही है इनकी, चटाई हो रही है। ये जंगल है दोनों साइड, अभी हम जंगल के बीच से गुजर रहे हैं। जंगल अंदर बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है एकदम। भाई गूगल बाबा ने रास्ता दिखाया है, और ये पूरा कच्चा है अभी तो, पता नहीं कहाँ खेतों में कहाँ घुसवाएगा ये, पर रास्ता तो यही दिखा रहा है भाई। टर्न राइट, ये तो पूरा खेतों में से ही लेके जाएगा क्या? राइट कहाँ जाएगी? अच्छा ये कहाँ से लेके जाएगा? ये यहाँ से बट्टे में से, चलो देखते हैं कहाँ लेके जाएगा भाई। टर्न राइट देन टर्न लेफ्ट, 4x4 इस्तेमाल करवाएगी ये तुम्हारे। 600 meters टर्न लेफ्ट, हमें तो ऑफ रोड मिल ही जाती हो तुम। ये तो बात है, खैर हमें तो पता नहीं क्या रोड, यही बोलते हैं कि रोड पे मत चढ़ो, बिना रोड के चलो, कच्चे कच्चे रास्तों से। देखो लोमड़ी लोमड़ी चली गई, अब तो क्या बना रही हो? तो भैया हम पहुंचने वाले हैं अपनी कैंप साइट में, बस 8 मिनट और दिखा रहा है पहुंच जाएंगे। रोड बड़ी सुंदर है, टूटी हुई पड़ी है रोड तो, यार इसके टोल ले रहे हैं ये। ये इधर जंगल है दोनों साइड, इधर भी इधर भी। तो ये पहुंचने वाले हैं हम अपने कैंप साइट में, 5 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, और आज का वीडियो हो चुका है काफी लंबा, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी कैंप साइट पे।